हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? करते हैं कुछ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का पेपर है नी, कक्षा 11 में विषय रसायन विज्ञान, कुलंक 30, समय 3 घंटे। दिशा निर्देश पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ना हो क्लियर। अगर आपको ना दिख रहा हो ध्यान, टॉप राइट हैंड कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करके 480 पिक्सल्स प्लस कर ले, तभी वीडियो क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। इसमें ना आंसर बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और बाकी अदर्स, ठीक है। तो सही विकल्प दीजिए पहला। तो इसमें भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, वैज्ञानिक अंकन में इसे पेन ले लेता है और लिखिए, ठीक है, वैज्ञानिक अंकन में इसे लिखेंगे। फिर है आपका यार, तो इसे क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा आपका ये कड्डी 8.5 × 108। दूसरा है एक मोल बिलिय में समाविष्ट करता है, तो आ है विलायक के 1000 ग्राम, ब है विलायक का 1 लीटर, स है बिलियन का 1 लीटर, द है बिलियन का, ये देख लो पता नहीं कितने लीटर है, मिस्टेक, ठीक है, विलायक 1000 ग्राम इसका हो जाए। बाकी एक बार यार आप लोग कंफर्म कर लें, ठीक है, क्या क्या सही है। हालांकि मैं कन्फर्म करके ताप का ऐसा ही मात्रा उल्टा कर दिया, ठीक है, और यस कर दिया, ठीक है। तो इसका मैं एक, अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग या फिर मुझे भी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जल्दी। तो आपका सही मात्रा केल्विन हो जाएगा, द हो जाएगा, ये सबको आपको पता रहे होगा। हेस का नियम संबंधित है, अभिक्रिया की गति है इसका आ, ब साम स्थिरांक, स अभिक्रिया उसमें परिवर्तन से, एक गैस के आयतन पर दाब प्रभाव से, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा स नंबर, अभिक्रिया उसमें में परिवर्तन से। पांचवा है आधुनिक आवर्त नियम लिखित में से किसे व्यक्त करता है, देखिए मिस्ट प्रिंटिंग कर देता है, ठीक है। आ है परमाणु संख्या, ब है परमाणु द्रव्यमान, स मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, तो इसका हो जाएगा परमाणु संख्या। प्रश्न क्रमांक 2000, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, तो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ, तो इसका हो जाएगा अभिकारक कहलाते हैं, पर क्या हो जाएगा, अभिकारक। फिर दूसरा, आयोडीन युक्त नमक में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के साथ कुछ मात्रा में बिंदे बिंदे मिला होता है, तो क्या लवण प्लस जल, ठीक है, लवण प्लस H2O, ऐसा भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। दहन ऊर्जा डेलिच का मान धनात्मक होता है, ठीक है, यहाँ पर धनात्मक होता है, ऐसा हो जाएगा। उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन बनता शून्य होती है, चाहे तो अंकों में लिख दें या फिर वो शब्दों वाला लिख दें, एक लिखना उन्हें, ठीक है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, उसे आवर्त श्रेणी में 2 समूह वर्ग में रखा जाएगा, ये दूसरे समूह वर्ग में रखा जाएगा, ठीक है, सही जोड़ी बनाई है। अब देखिए पाउली का वर्जन नियम, तो इसका हो जाएगा आपका ये वाला, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान, दिगंशी क्वांटम संख्या, तो ये हो जाएगा कक्षक का आकार। अपबाउ का नियम, तो ये तीसरा हो जाएगा, ये परमाणु की अवस्था में कक्षक उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर क्रम में भरे जाते हैं, स्तर क्रम में, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या, ये हो जाएगा सदैव धनात्मक मान इसका होता है। हाइड्रोजन वर्ग का निश्चितता का नियम, तो ये हो जाएगा किसी अपरमाणविक कण की स्थिति में संवेग एवं संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर आते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो कितने तत्व ज्ञात हैं अभी तक, टोटल 118 तत्व ज्ञात है, जिसके आप पढ़ते होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन ये वो सब, ठीक है। परमाणु, दूसरा है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई, यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य में दे दीजिए, जो एक शब्द लायक हो उसको एक शब्द, जैसे कितने तत्व ज्ञात हैं, तो 118। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, तो AUM, ठीक है, ये लिख देना था आपको। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, देखिए यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की इकाई पूछा है, तो देख लेना 23 OMU है, ठीक है, ये देख लो यहीं पर सोडियम परमाणु द्रव्यमान 23 OMU, ठीक है, देख लेना, इसको कंफर्म कर लेना, तो उसके 6.022 × 10³³ परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो 23 ग्राम। अवस्था फलन के 2 उदाहरण दीजिए, तो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी सेकंड। क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम लिखिए, इसको मैं जल्द ढूंढ के आपको बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। निम्न या फिर थंबनेल या फिर कहीं अगर वीडियो नहीं बन रहा है, बन पाया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना या फिर मैं उसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका आंसर। निम्न तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, इसमें गाइस इस बार यार 6-7 से आ गया था, ठीक है,
यार हर बार यार बताता कुछ और है कि यहाँ यहाँ से आएगा, लेकिन 6-7 से आ गया था कुछ, जो कि शायद आपसे ठीक है। तत्वनाविक ये सब देख लो, पेशकुंचा है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है, अथवा फोटान किसे कहते हैं, पेशकुंचा क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, अथवा ज्यूमैन प्रभाव क्या है, ये इसका भी आंसर इन सब के आंसर में लाने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। इसमें 8 परमाणु आयतन में अंतर लिखिए, परमाणु सॉरी आयन है इसमें, आयतन कर दिया है, अथवा कक्ष एवं कक्षक में अंतर लिखिए। यहाँ पे दो जैसे दो नंबर का है, तो इसको कम से कम अंतर आपको 3 लिखने हैं, ठीक है। दो लिख देंगे तो एग्जैक्ट करेक्ट होनी चाहिए, बाकी 3 जो बोले ना दो है तो दो से अधिक आप हमेशा लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें। एस पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंटिंग कर दिया है, अथवा डी कक्षक की आकृति कैसी होती है, यह बताया था यार 4 नंबर तक आएगा, 4 नंबर तक के क्वेश्चन आएगा, लेकिन 5 के दे दिया है, एन प्लस एन नियम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अतः निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में हुंड का नियम प्रदर्शित कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में से प्रथम में है तब इसके एन एल एम के संभावित मान लिखिए, अथवा SPD नोटेशन का उपयोग कर कक्षकों के निम्न क्वांटम संख्याओं की व्याख्या कीजिए, अथवा सॉरी प्रश्न 12 सीमांत अभिकर्भक क्या है, अथवा मोल किसे कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या से क्या संबंध है। आपको चाहे क्वेश्चन आए चाहे ना आए, अगर जो भी 6-7 से आ गए उसको भी आपको भले ना आता हो लेकिन लिखना है आपको आंसर, ठीक है। कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे, वाले गलत हैं कुछ, इधर उधर मतलब पूरा गलत नहीं होना चाहिए। डी ब्रॉग्ली के समीकरण लिखे, अथवा इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षाओं में घूमते क्यों, हुंड का नियम लिखे, अथवा मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत लिखे। प्रश्न 15, एन बराबर 4 से कितने उपकक्ष संलग्न होते, अथवा ये देख लो 16 है, रासायनिक समीकरण क्या है, इसके संतुलन के नियम लिखे, अथवा सार्थक अंक क्या है, इन्हें प्राप्त करने के नियम लिखे, निम्न में कितने सार्थक अंक हैं, तो देख लो 0.0225 में ये सब देख लो ना, अथवा निम्न को SI इकाई में दर्शाइए। शिमला का निम्न ताप 10 डिग्री सेल्सियस है, SI इकाई में दर्शाना इनको। 2 लीटर दूध का 30 दिन उपयोग हुआ है, तो दूध का आयतन SI मात्रक में लिखिए। प्रश्न 18, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व, तो इनके समान गुण की, काफ़ी इजी है इस टाइप के क्वेश्चन, काफ़ी इजी है, अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अथवा अंतर संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनके समान गुण लिखिए। 19 है, SPDF ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, जो कि ये 3-3 नंबर के, यहाँ से प्रश्न अंक यानी 15 से 3 नंबर के आने लगे हैं। तत्व जिनका बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न का स्थान आवर्त तालिका में बताइए, देख लो। प्रश्न 20, ऊष्मा धारिता क्या है, CP माने CV बराबर कैपिटल R व्यंजक स्थापित किया, अथवा दहन ऊष्मा को समझाइए, इसको उपयोग लिखिए। प्रश्न अंक 21 है, बर्फ के साधारण रूप की संरचना को समझाइए, अथवा जल का कौन सा गुण इसे विलायक के रूप में उपयोगी बनाता है, किस प्रकार के यौगिक घोल सकता है और जल अपघटन कर सकता है, 2 पॉइंट है यहाँ पर। यहाँ पर प्रश्न अंक आपका 20 से 5 नंबर का डाट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यार उसमें ब्लू प्रिंट वगैरह में तो 4 का कहा था, लेकिन शायद ब्लू प्रिंट के अनुसार यार इसको देना चाहिए बराबर से, यार क्या मिस्टेक होती रहती है। तो 22 से क्या होता है, जब सोडियम धातु को जल में डाला जाता है, सोडियम परऑक्साइड को जल में घोला जाता है, कारण स्पष्ट करते हुए उत्तर पुस्तक में लिखे, BaO जल में विलय होता है जबकि BaSO4 जल में विलय होता है, दूसरा BaO जल में विलय है जबकि BaSO4 जल में अविलय है। तो ये कैश हो गया आपको, ऊपर तो वीडियो पसंद आएगा, इस तक लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, थैंक्स वॉचिंग वीडियो, ओके। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या फिर यूट्यूब में सर्च करना बिना साहू यूट्यूब, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना, मैं सभी पेपर्स आंसर्स और नोटिफिकेशन भेजता रहता हूँ। बाय बाय।